सो वालों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे यार ये ZenFone Max Trim 2 के अपडेट के बारे में। अक्टूबर के मंथ में अपडेट आया था ना, उसका फुल रिव्यू आपको इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका कैमरा कैसा है, फिंगरप्रिंट स्कैनर कैसा है, एंड क्या क्या कैसा है, एंड क्या क्या इंप्रूवमेंट किया गया इस वीडियो में, आपको सब कुछ बताऊंगा, एंड क्या नया है, एंड इसका परफॉर्मेंस कैसी है, इसका माइक्रोफोन कैसा है, स्पीकर कैसा है, चार्जिंग स्पीड कैसी है, सब कुछ डिस्कशन करूंगा। भाई स्किप करोगे तो भाई दैट्स योर प्रॉब्लम, भाई मेरा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। सो वीडियो स्टार्टिंग करते हैं। वीडियो स्टार्टिंग करने हम लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दिए, इस वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए मतलब घंटी को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो फिर। जैसा कि आप लोगों को दिखाऊं अबाउट फोन में जाके यार, तो वहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन 9 हो चुका है, एंड सिक्योरिटी पैच लेवल हम लोगों का 5 अक्टूबर का है, एंड 0.071 हम लोगों को अपडेट मिल चुका है। दिखा दिया, मान लो भाई बाद में कहो कि यार अपडेट मिला नहीं, फर्जी वीडियो बना रहा है, ठीक है, जो देख के आया तो भाई जानते हो ओवरव्यू मेरा कि वीडियो सही है। एंड अगर आपको सेटिंग में जाके दिखाऊं, वैसे यार यहाँ पे कोई नया फीचर अवेलेबल नहीं है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ओवरव्यू में, क्योंकि यार बस सिक्योरिटी पैच लेवल कुछ बग्स फिक्स करे गए हैं, एंड कुछ नई इंप्रूवमेंट कुछ खास चीज़ें नहीं है। आपको डिस्प्ले में दिखाता हूँ यार, एज इट इज़ सब कुछ सेम है, कुछ भी नया इसके अंदर नहीं है। एंड अगर बात करूँ और यार इसमें साउंड कैसा है, साउंड यार वैसा ही है, मतलब बस वाइब्रेशन जो यार थी इसकी थोड़ी सी इंप्रूव कर दी गई, एंड लिटिल बिट साउंड थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा नहीं, हल्का सा इंप्रूव किया गया है। एंड अगर आपको एक चीज़ और बताऊँ, अगर आप लोगों ने मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो देखी होगी तो आप यार जानते होंगे कि ASUS ZenFone Max Trim 2 में एक सो लॉकडाउन का ऑप्शन होता है, क्योंकि काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन है यार, मतलब इसको अनेबल कर लोगे तो अगर आप इसको मतलब ऑन करोगे तो उसके बाद में अगर जब तक पासवर्ड नहीं टाइप कर दो तब तक कि आपका फ़ोन ओपन नहीं होगा। हाँ भाई इस अपडेट में नहीं मिला ये ऑप्शन, ये पहले से ही है, मैंने लेकिन इसलिए बताया है जिसे आप जान सको कि भाई ये ऑप्शन है। और आपको यार बताऊँ यहाँ पे फिंगरप्रिंट, यार फिंगरप्रिंट काफ़ी सही हुआ है, मतलब काफ़ी तो नहीं बोलूँगा, हाँ यार इंप्रूवमेंट की गई है, मुझे तो ठीक ठाक लगा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भाई किसी को मतलब जिसको अगर स्लो लग रहा हो तो भाई कोई नया फ़ोन खरीद लो यार, कुछ कर नहीं सकते इसके बारे में। भाई मुझे ये फिंगरप्रिंट अच्छा लग रहा है, मैंने खुद देखा, जैसे आप देखोगे मैंने क्लिक किया जस्ट अनलॉक, आप देखिएगा फिंगरप्रिंट क्लिक किया जस्ट अनलॉक, भाई और क्या चाहिए यार तुम्हें, एक साल का फ़ोन हो चुका है एंड परफॉर्मेंस सही दे रहा है फिर भी, तो आपको क्या चाहिए। फेस अनलॉक के बारे में अगर आपको बताऊं तो यार यहाँ पे देखोगे जैसे ही मैं फ़ोन को ऊपर ले जा रहा हूँ, आप देखिएगा बस फ़ोन मतलब क्लोज किया एंड जस्ट ऊपर ले गया जस्ट अनलॉक, भाई फेस अनलॉक ऑलरेडी इसका काफ़ी सही था एंड एक्यूरेट था, मतलब बस ये अगर आप आँख भी बंद कर रहे हो तो भाई तो भी खुल रहा है फेस अनलॉक, भाई इसके बारे में क्या होता है, अगर आप सो भी रहे हो तो, अगर दोनों आँखें बंद है तो मतलब नहीं होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, बैटरी, भाई सब लोग जाने जाते हो कि बैटरी में क्या हाल चाल चल रहा है, अपनी बैटरी वाह बैटरी वाह भागे, देखोगे आप 5 घंटे 33 मिनट का मुझे बैटरी बैकअप मिला है। मैंने अपने फ़ोन को यार 100% चार्ज किया था, उसके बाद में मैंने 0 to 100 मतलब फुल चार्ज किया, 80% यूज़ किया। आप देखोगे 1 hour 31 minutes मैंने पबजी प्ले किया है, 1 hour 9 minutes मैंने वीडियोज़ प्ले करी हैं, उसके बाद 58 minutes मैंने फेसबुक यूज़ किया एंड 37 minutes का मैंने टिकटॉक देखा है। हाँ यार भाई देखता हूँ इन्जॉयमेंट के लिए, टाइम नहीं पास होता तो क्या कर सकते हैं। गीक बेंच स्कोर मैंने निकाला है, इसका क्या है एंड भाई शॉकिंग रिजल्ट आएगा उसका आपको दिखाऊंगा अभी। एंड प्ले स्टोर भाई सब कुछ नॉर्मल जो एप्लीकेशन यूज़ करी जाती है भाई सब कुछ यूज़ किया है। भाई यार इतना मुझे बैटरी बैकअप मिला है यार, ड्रेन क्या बोलूँ भाई, ना तो बैटरी थोड़ी सी, हाँ बस हल्की सी इंप्रूवमेंट करी हुई मैंने, जब इससे पहले आपको अपडेट दिखाया था, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उस पर यार हाँ थोड़ा सा बैटरी ड्रेन हो रही। अब क्या है जैसे मैं अगर वीडियो देखता हूँ 1% बैटरी मेरी 6 से 6 मिनट या 5 मिनट चल जाती है, बस ज़्यादा कोई इंप्रूवमेंट नहीं है ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक ठाक बैटरी चल जाती है। अगर आपकी बैटरी नाइट में ड्रेन हो रही है तो भाई अपने फ़ोन को यार स्विच ऑफ कर लेना भाई, बस यही मैं बोल सकता हूँ और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, यही आइडिया ही है आपको। नेक्स्ट इसके बग के बारे में बताता हूँ यार, वो जो बग है यार आप जैसे ही देखोगे यार, मैं जब जाता हूँ यूट्यूब पे कोई वीडियो मैं प्ले करता हूँ, आप देखिएगा बिगेस्ट प्रॉब्लम आफ्टर सितंबर, मेरी वीडियो आप नहीं देखी आप देख सकते हो। भाई मैंने वीडियो प्ले करी एंड उसके बाद में जैसे आप देखोगे मैंने वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर दिया एंड उसके बाद में आप देखोगे, वीडियो मत देखिए मेरी, पता है ये जो वीडियो चल रही है मत देखना भाई, मनो जाके देख सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, ठीक है, भूलना नहीं सब्सक्राइब करना, ऐसी वीडियो आती रहेंगी। जब मैं उसको स्वाइप अप करता हूँ उसके बाद में जब क्लिक करता हूँ साइड में हलचल देखना, ये देखिए हलचल सी मच रही है इनके, ASUS भैया ASUS वाले भैया अपने अच्छे हैं, इनके लिए तो क्या बताया जाए, 10 प्रॉब्लम फिक्स होगी तो एक जरूर दे देंगे, लिखी लिखाई बात है। सितंबर के अपडेट में नॉच वाली प्रॉब्लम थी, अब ये नई प्रॉब्लम आ गई,
सो भाई क्या कर सकते हैं, नॉच वाली प्रॉब्लम मतलब फिक्स हो गई थी, ये प्रॉब्लम ये घूमने वाली थी। एंड आप देख सकते हो जब मैं पबजी आपको, हाँ अपना ओपिनियन सेयर, मैं भूल गया आपसे, जब पबजी आप ओपन करोगे उन्होंने बताया कि लॉन्चर का इशू फिक्स हो गया है। पबजी ओपन करते हो आप, कभी कभार ऐसा होता है अचानक से अगर आप बीच बटन जो आपको दिख रही है बटन ना दबा देते हो भाई, सब कुछ स्टक हो जाता है भाई, उसके बीच में कुछ होता ही नहीं है। अगर आप क्रोम पे जाइए वहाँ पे अगर उसका डाटा क्लियर कर दोगे भाई सब कुछ अटक जाएगा, लॉन्चर में जाके क्लियर डाटा करना और तब जाके लॉन्चर खुलता है। सो भाई ये प्रॉब्लम इसमें है। अगर मैं आपको N22 बेंचमार्क स्कोर दिखाऊं, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था भाई, इतना मैं बस टाइम इसमें नहीं होता कि मैं वीडियो और लंबी करूं, आपको दिखाता हूं। शॉकिंग रिजल्ट भाई, 159,253 स्कोर है भाई। यार एक चीज़ मुझे N22 बेंचमार्क स्कोर में लगा है कि भाई ये पहले होता था 88 या ऐसे कुछ 80-90 एमबी का, 120-150 एमबी का होता भाई, इस समय 605 एमबी का हो गया। ये प्रॉब्लम इसमें है या फिर अब रियली मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, मैं तो बता नहीं सकता हूँ। मुझे ये मिला स्कोर, आप देख सकते हो 159,253। सो क्या बोलूँ, हो सकता है यार इम्प्रूवमेंट की गई हो या हो सकता है ऐप में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन मुझे तो लगता है थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट यार की गई है। अगर आपको दिखाऊँ गीक बेंच 4 के स्कोर, तो आप लोग देख सकते हो इसमें भी अपडेट किया गया है एप्लीकेशन को। आप लोग देखोगे यहाँ पर सिंगल कोर का जो स्कोर मिल रहा है 299 का है, एंड आप लोगों को लग रहा हो कम है, भाई कम नहीं है, सही स्कोर मिल रहा है। आप लोग जो देखोगे मैं सबसे नीचे दिखाता हूँ, S3 सैमसंग गैलेक्सी S6 276 A8 से मिडल में हम लोग आ रहा है। इसका मतलब भाई मतलब सही मिल रहा हम लोगों को यार, कोई बेंचमार्क जो स्कोर है सही साठ है, कोई इतना ज़्यादा कम है, मतलब जितना मिलना चाहिए उस अंदाज से उतना ही यार मिल रहा है, कोई इतना खास भी नहीं। और यार बताता हूँ आपको एक चीज़ और कि भाई काफ़ी लोग परेशान हो गए कि भाई इसमें चार्जिंग स्पीड कैसी है और माइक्रोफोन कैसा है। माइक्रोफोन के बारे में अगर मैं बताऊँ तो भाई मुझे तो माइक्रोफोन कोई प्रॉब्लम आज तक फेस नहीं हुई है भाई, मुझे कोई भी प्रॉब्लम अभी तक फेस नहीं हुई है, मुझे प्रॉब्लम नहीं फेस हुई है, आपको मैंने पहले बताया था। एंड माइक्रोफोन इंप्रूव हुआ है, जब मैंने ओवरव्यू दिया था आपको तुरंत बताया था मैंने, क्योंकि मैंने दोस्त से बात करी थी, मैंने अभी काफ़ी टाइम तक बात करा है, मैंने यूज़ किया है भाई, माइक्रोफोन में मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊँ यार और चीज़ें कि भाई कि इसमें बैटरी चार्जिंग स्पीड में क्या हालचाल है और क्या नहीं है, आपको बैटरी चार्जिंग की अगर बात कर रहा हूँ तो मुझे भाई अभी तक कोई फास्ट ना मिला है ना कुछ भाई, मुझे अभी तक 2.5 घंटे मेरे फ़ोन की बैटरी चार्ज हो रही थी, अभी भी हो रही है। हाँ भाई 0 से 90% बैटरी आपकी सही चार्ज होगी, 10% जो बैटरी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली आधा घंटा ले लेती है भाई। सो भाई लोग आप बात करते हैं हम लोग यार कैमरे के बारे में, यार आप सब लोग जानते हो यार, ओवरव्यू बताया था मैंने यार, कैमरे में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया गया, सब एज इट इज सेम है। हाँ बस इसमें जो कैमरे UI में कुछ बग्स थे यार वो फिक्स करे गए, एंड यार कुछ नया तो नहीं इसमें है। जैसा कि आप सब देखोगे भाई एज इट इज़ सब कुछ यार सेम ही है, काउंटर टाइमर ये वो मतलब सब कुछ सेम है। एंड लास्टली अगर मैं आपको ओपिनियन दूँ ये अपडेट कैसा है भाई, आप लोग कर लेना चाहिए, इतनी प्रॉब्लम्स मुझे नहीं फेस हुई है, आप लोग कर सकते हो। बैटरी ड्रेनिंग का इशू आ रहा है, सो भाई लोग आप अपने फ़ोन को फैटी रीसेट कर सकते हो भाई लोग, प्लीज़ इस ट्रिक को ट्राई करना। हाँ भाई समझ रहा हूँ कि भाई लोग हो जाता है आपका डाटा चला जाएगा, लेकिन भाई यार एक चीज़ ध्यान रखो, मैंने खुद ट्राई करा है तो मैं बता रहा हूँ, आप लोग ट्राई करके फिर कमेंट करिएगा। हाँ भाई ये अगर आपके में कैमरा टू API अनेबल है तो भाई ये हाँ ये फैक्ट्री सेट करने से हट जाएगी, बट यार ये तरीका काफ़ी इफेक्टिव है। तो अपडेट करने के बाद में यार बक्सी काफ़ी सारी कैचेस होती है, काफ़ी कुछ होता है वो स्टोर हो जाता है यार अगर आप इसको फैक्ट्री सेट कर दोगे, तो भाई सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड आप लोगों को जैसे मतलब फैक्ट्री में फ़ोन आया था नया आपका फ़ोन वैसे हो जाएगा, एंड प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक फिक्स हो जाएंगी। सो भाई लोग बस यार वीडियो एंड करते हैं, एंड AIA ब्लॉग्स पे जाइए सब्सक्राइब कर लिए हमारे चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड गुड बाय।